हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। साहित्य भवन की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, बैलॉन डियोर फुटबॉल पुरस्कार 2024। पहले तो हम ये बताते हैं कि ये पुरस्कार क्या है। तो बैलॉन डियोर फुटबॉल पुरस्कार फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। अब बैलॉन डियोर पुरस्कार 2024 की घोषणा कब की गई, तो 28 अक्टूबर 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई। पुरुष बैलॉन डियोर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरुष बैलॉन डियोर पुरस्कार किसे दिया गया, तो स्पेन के रोड्रो को दिया गया, जो कि मैनचेस्टर सिटी क्लब के मिडफील्डर खिलाड़ी हैं और पहली बार उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। महिला बैलॉन डियोर पुरस्कार अर्थात सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन की ही एताना बोनमाटी को दिया गया, जो बार्सिलोना क्लब की ओर से खेलती हैं और उन्होंने यह पुरस्कार दूसरी बार जीता है। यह पुरस्कार वर्ष 1956 से प्रदान किए जा रहे हैं, किंतु वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं हो पाई थी। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।